बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए होममेड बारबेक्यू सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल बाजार जैसे सॉस अब आप घर पे भी बना सकते हैं। चलिए जी, देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लें। काली मिर्च मैं इसमें यूज कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। ये इमली का पल्प है, मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। और ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका 1/2 टीस्पून, ब्राउन शुगर 3 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, वर्चेस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, और इसमें केचप यूज़ होगी तकरीबन 1/2 कप। मैं इसमें केचप यूज़ करूँगी। सबसे पहले बाउल में मैं तकरीबन 1/2 कप केचप ऐड कर रही हूँ। इसमें इमली का पल्प ऐड कर दें, ब्राउन शुगर ऐड कर दें, नमक आपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो तीनों स्पाइसेस थे ये ऐड कर दें, वर्चेस्टर सॉस ऐड कर दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो मस्टर्ड पाउडर है इसका कोई भी लम्प्स इसमें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी सॉस बना लें। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन गया। और ये आपके सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ इसका लास्ट स्टेप रह गया। ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी। एल्युमिनियम कोयल मैंने थोड़ा सा सेंटर में रख लिया और इसको हम कोयले का धुआं दे देंगे। तकरीबन 5 मिनट मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी। और इस कोयले का इतना अच्छा फ्लेवर इस सॉस में आता है कि बिल्कुल आपको फील ही नहीं होता कि बाजार की सॉस है, आपने घर में बनाई हुई है। तो व्यूवर्स, बारबेक्यू सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा समोसे पकोड़े या बारबेक्यू के साथ। अक्सर औकात घरों में बारबेक्यू करते रहते हैं, उसके साथ आप इसको लाजमी इंजॉय कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।